दिन के अवसर पर यहाँ पर किया है वो बीजेपी के फालतू गुंडों ने किया है। और हमारी मस्जिद तोड़ी गई, मस्जिद का मीनारा तोड़ा गया, मदरसे जलाए गए, धार्मिक ग्रंथ जलाए गए, 40,000 दुकानों को लूट लिया गया है। चाहे वो चैती दुर्गा हो या रामनवमी हो, इस अवसर पर भाजपा और आरएसएस के गुंडों के द्वारा महादेव बिहार के अंदर खास करके दंगा फैलाने की साजिश की जाती है। जहाँ जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी कमजोर पड़ती है उस राज्यों में ये दंगा कराने का काम करती है। पूरी तरह से दावे के साथ कह सकते हैं बिहार सरकार जांच करे, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनसे जुड़े हुए दो चार संगठन के लोग हैं, पूरे देश में पूरे बिहार में लगातार दंगा कराने का काम करते हैं। भाजपा का तोचित अमजीत आजीत है। रामनवमी के अवसर पर, पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के जन्मदिन पर इनके बजरंग दल और आरएसएस वालों ने, सुनो ये जो साजिश करके बिहार शरीफ सासाराम गया और जहानाबाद में दंगा फैलाया, महोदय बजरंग दल के लोगों के द्वारा वहां सुन लो जिस ढंग से दंगा कराया गया महोदय, दंगा युवकों करके फालतू गुंडों ने किया है। और हमारी मस्जिद तोड़ी गई, मस्जिद का मीनारा तोड़ा गया, मदरसे जलाए गए, धार्मिक ग्रंथ जलाए गए, 40,000 दुकानों को लूट लिया गया है। और 31 तारीख की घटना हुई, फिर 1 तारीख को दंगा भड़काया गया। बहुत इन लोगों पर लगाम लगाई जाए, पाबंदी लगाई जाए। और सरकार से मैं मुतालबा करता हूँ कि जिनकी क्षति हुई है उनका मुआवजा दे। 1 तारीख को घटना क्यों घटी उसका जवाब दे। और अखिलेश की जान माल इज्जत आबरू खतरे में है महोदय, इज्जत आबरू खतरे में है, हमारा चलना फिरना मुश्किल हो गया है, हमारी मस्जिद भी खतरे में है। राजेश गुप्ता जी, विधायक सासाराम, सासाराम में जो दंगा कराया गया है कुछ खास लोगों का प्लानिंग के साथ ये काम कराया गया है, ना वहाँ के कोई हिंदू किया है ना मुसलमान किया है। और ये दंगाई लोग जो व्यवसायियों के दुश्मन है, पैसों के दुश्मन है, जो कहते हैं कि हम संग्रहण कीजिए, उसकी जांच कराया जाए। माननीय सदस्य साहिन साहब, अध्यक्ष महोदय, जहाँ जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी कमजोर पड़ती है उस राज्यों में ये दंगा कराने का काम करती है। पूरी तरह से दावे के साथ कह सकते हैं बिहार सरकार जांच करे, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनसे जुड़े हुए दो चार संगठन के लोग हैं, पूरे देश में पूरे बिहार में लगातार दंगा कराने का काम करते हैं। हम सदन के माध्यम से मांग करते हैं कि वैसे संगठन जो समाज में नफरत फैलाते हैं, दंगा फसाद कराते हैं, उन पर प्रतिबंध लगाया जाए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। और भारतीय जनता पार्टी अमित शाह जी का आगमन हुआ था, उसी के एक योजनाबद्ध तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बिहार का वातावरण खराब करने का काम किया है। श्री जितेंद्र कुमार नालंदा, श्री जितेंद्र कुमार माननीय सदस्य। महोदय बोल लीजिए, जो भी किया गया है एक मिनट में, एक भाजपा का तोचित अमजीत आजीत है। और इसमें ना हिंदू का कोई मसला ना मुस्लिम का, ये सब नियोजित तरीके से किया गया है। और ये बौखलाए हुए हैं, ये बौखलाए हुए हैं, परेशान हैं कि इनका जनमत घट रहा है और बेचैन होकर इस ढंग इस घटना को अंजाम देते हैं।
इसलिए महोदय ऐसे दंगाइयों पर सख्त कार्रवाई की जाए और ये बीजेपी के द्वारा जो किए गए कार्य है बहुत घृणित कार्य है, इनको विकास विकास आदि से कोई लेना देना नहीं है। अतः महोदय ऐसे लोगों पर ऐसे लोगों पर और दंगा करने पर कार्रवाई की जाए, बोलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। आपके नेता प्रतिपक्ष को कहा गया, उन्होंने अपने पक्ष को रखा है, अब स्थान आप माननीय सदस्य बेलवा दे, आप स्थान ग्रहण करें। अब सभा की कार्यवाही 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है। माननीय सदस्य श्री मुकेश कुमार यादव, अल्पसूचित प्रश्न, माननीय नेता प्रतिपक्ष स्थान ग्रहण करें। पूछता हूं माननीय मंत्री सामान्य प्रशासन विभाग, आप पूछ रहे हैं, आपके पास वहां से जाकर बोलिए। महमूद साहब आप जगह पर जाकर अपना बात रखिए। महमूद साहब आप अपने स्थान पर जाइए, अपना बात रखिए। आप जगह देखिए, आप जो है बेल में ना रहिए, आप अपने स्थान को ग्रहण कीजिए। आपके नेता प्रतिपक्ष के द्वारा जो कहना था उन्होंने कह दिया, मैंने उनको इजाजत दिया था, अब आप स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य महबूब साहब बोलिए, बोलिए महबूब साहब, महोदय बोलिए महबूब साहब, महोदय सत्ता से बेदखल हो करके ऐसा नहीं कर आपके, आपके नेता को बोलने के लिए भाजपा बौखला कर रही है। महोदय आप स्थान ग्रहण, इन्होंने रामनवमी के अवसर पर पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के जन्मदिन पर इनके बजरंग दल पुराने आदमी और आरएसएस वालों ने सुनो, ये जो साजिश करके आपके नेता बिहार शरीफ सासाराम गया और जहानाबाद में दंगा फैलाया। महोदय ये दंगा फैलाने में महोदय बजरंग दल का हाथ है, आरएसएस का हाथ है। बिहार शरीफ में इनके विधायक डॉक्टर सुनील ने साजिश करके 1 महीना तक दंगा फैलाने का साजिश किया। महोदय महोदय बजरंग दल पर प्रतिबंध लगे, महोदय आरएसएस पर प्रतिबंध लगे। महोदय ये लोग सत्ता से बौखला के बेदखल होकर के बौखला गए। महोदय और सांप्रदायिक फैला करके महोदय ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के सहारे ये सत्ता में वापसी करना चाहते हैं। महोदय राकेश कुमार रोशन जी महोदय बजरंग दल के लोगों के द्वारा वहां सुनो जी ढंग से दंगा कराया गया। महोदय और एक एक अल्पसंख्यकों का घर हर आधा होकर लौटा गया। महोदय अध्यक्ष महोदय मैं घटना स्थल पर भी गया था और वहां महोदय दंगाई लोग प्रधानमंत्री का वो अपने टी शर्ट में फोटो छपा करके पूरे बिहार के मुसलमानों को लूटने का काम किया। महोदय और सुनो जी ढंग से एक नहीं पूरे कम से कम 100 संख्या के दुकानों को सिर्फ लूटा गया है और ये सरकार लगा दिया गया। महोदय और ये और महोदय राम जो सत्यदेव राम महोदय हम सरकार से मांग करते हैं महोदय कि बिहार में मुश्किल से 1000 दंगाई है। महोदय सरकार उन 1000 दंगाइयों को गिरफ्तार करके बेल में खड़ा होकर के महोदय आपको फोटो खींचने का इजाजत नहीं है। यह एक साजिशपूर्ण तरीके से हो रहा है महोदय और ये भारत जलाओ पार्टी ने पूरी साजिश करके पूरी योजना बना करके बिहार को अशांत किया है। आप सरकार को अशांत किया है महोदय। अजीत कुमार माननीय सदस्य अजीत कुमार, अजय कुमार माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष महोदय आज पिछले दिनों 3 रामनवमी के दिन से पूरे बिहार के अंदर
सुनियोजित तरीके से आरएसएस विश्व हिंदू परिषद के लोग दंगा करवा रहे हैं और एक तरफा जो है जो दंगा करवाते हैं वही पूरे बिहार के अंदर घूम घूम करके ये बात बताते हैं कि सरकार और पड़ोसी दंगा हो रहा है। जी नहीं, बिहार को चलाने की कोशिश आरएसएस के लोग कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग मुखौटा बनकर के ये सामने खड़ा है। इसलिए आरएसएस के ऊपर पूरी तौर पर प्रतिबंधित होना चाहिए और सुनियोजित तरीके से जिन लोगों ने दंगा करवाया चिन्हित करके उसको गिरफ्तार करके बंद करके माध्यम से हम ये मांग करते हैं। महोदय शकील खान माननीय सदस्य बोलिए। महोदय पूरे बिहार की सरकार को, पूरे बिहार के सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्ष सरकार को बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी विचारधारा समाज के सद्भावना को बिगाड़ना चाहती है। ये हमने इनका पैटर्न हर जगह देखा है। बिहार में जब इनको मुंह की खानी पड़ रही है, बिहार के तमाम अलायंस पार्टनर्स मजबूती के साथ बिहार सरकार को अमन चैन के साथ चलाना चाहते हैं, ये उपद्रवी लोग यहाँ पर अपनी बात कहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भाषा गृह मंत्री ने कहा है, जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, वो भाषा कंडेमनेबल है। वो बदले की बात कहते हैं, ये बदले की भावना सद्भावना की बात नहीं है। इस जगह सद्भावना की बात होनी चाहिए, सद्भावना की बात नहीं होनी चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.